बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारी बारिश से आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 25 लोगों की जान चली गई। दोनों राज्यों में लगातार बारिश से भारी तबाही मची है। वहीं पीएम मोदी का दोनों राज्यों की मदद का भरोसा। हैदराबाद में अकेले 15 लोगों की मौत हो गई है। जो लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरीके से यहाँ पर प्रभावित हुआ है। बारिश का कहर देखने को मिला है। तो वहीं केंद्र की ओर से दोनों राज्यों को मदद का भरोसा दिया गया है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कई लोगों की जान चली गई, 25 लोगों की जान चली गई है। बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें लबालब हो गई, बिल्डिंग पूरी तरीके से ढह गई। कई जगहों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर कार पानी में समा गई, तेज धार में समा गई और इससे लोग बेहद परेशान, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। हैदराबाद में अचानक हुई बारिश ने सभी को बेहाल कर दिया है, क्योंकि वहां पर जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब हो गई हैं, तो कई अस्पतालों में पानी भरा है। इतना ही नहीं, सड़कों पर कारें जो हैं वो माचिस की डिब्बी की तरह बहती दिखी। क्योंकि देखिए कैसे बारिश के बाद हैदराबाद के गली मोहल्लों में कमर तक भरे पानी में लाल कार उल्टी बहती चली आ रही है। इस दौरान बहती हुई इस कार का छतों पर मौजूद लोग वीडियो बनाते दिखे, क्योंकि अचानक इतनी बारिश के बाद उनके मोहल्ले की सड़कें दरिया बन गईं। लिहाजा बहती कार को देखना किसी के लिए भी मजे की बात जैसा होगा। हालांकि ये कार बहते हुए आगे जाकर एक दूसरी कार से टकराई जो पहले से ही पानी में अटकी पड़ी थी। इतना ही नहीं, बहते पानी में एक के ऊपर एक खड़ी इन कारों की तस्वीरें हैरान करने वाली तो थी ही, लेकिन अब बारी एक और बहती कार की थी जो ठीक वैसे ही बहती हुई आई और इन दोनों कारों पर चढ़ गई। इस तरह एक ही गली की तीन कारें इस बहते हुए पानी में एक ही जगह फंस गईं, क्योंकि पानी तेजी से इस गली में बहता दिखा और ढलान होने की वजह से इन कारों को अपने साथ बहाता ले गया। गनीमत रही कि तीनों कारें वहां इसी गली में अटक गईं और ज्यादा दूर तक नहीं बहीं। दरअसल तेलंगाना में मंगलवार रात को भारी बारिश हुई, जिसमें अकेले हैदराबाद में बीते 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव पैदा होने की वजह से तेलंगाना, ओडिशा के कई जिलों में जमकर बरसात हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद के पौश इलाकों में तेज बहते पानी के बीच आदमी भी बहते दिखे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने रस्सी और ट्यूब डालकर इस आदमी को रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन रस्सी पकड़ने से पहले ही ये शख्स नदी जैसे इस पानी में सरपट बहता गया। जिन जिन गलियों से पानी बहते हुए आगे बढ़ा उन्हीं में ये शख्स भी बहता चला गया। इस कॉलोनी में बारिश के बाद बहते पानी का आलम ये था कि मानो पहाड़ों में कोई नदी बलखाते हुए तेजी से चट्टानों को चीर कर आगे बढ़ रही हो, जिसे देख लोग दहशत में आ गए। लिहाजा पानी देख डरे लोग दुकानों के सामने सहमे खड़े दिखे, क्योंकि इस पानी को पार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक शख्स उनकी आंखों के सामने ही बहा था। हालांकि इस शख्स को आगे जाकर बचा लिया गया और दोबारा इस तरह से कोई पानी में न बहे इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे और जगह जगह रस्सियां बांध दी गईं ताकि लोग इसे पकड़ कर चलें। हैदराबाद में बारिश के बाद आई बाढ़ में कारें, आदमी तो वहीं वहीं इनके इतने पानी में जानवर भी बहते हुए नजर आए। क्योंकि देखिए इस पानी में लोगों ने पहले अपनी जान बचाने की कोशिश की, बाद में उन्हें जानवरों की याद आई। लिहाजा कई जानवरों की तो मौत हो गई, तो कुछ बेजुबान जानवर पानी में तैरते हुए सुरक्षित जगह पहुंचने की फिराक में दिखे, लेकिन पानी इतना तेज था कि जानवरों को अपने साथ बहा ले गया। वहीं बेगमपेट इलाके के एक नाले में कई भैंसे फंस गई, जिनमें कई तो डूबने से मर गई, तो वहीं कुछ को नाले से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। नाला है इंदिरा नगर में, एक नाला है, एक भैंसा अंदर स्ट्रक हुआ है, इसीलिए बहुत लोग इधर आया देखने के लिए। 6-8 भैंसा वास्ते हुए ये बहुत नुकसान, वातावरण चल रहा है, रेल गाड़ियों भी आने जाने का बहुत नुकसान चल रहा है। ट्रैफिक तत्काल स्थगित किया है हैदराबाद और रोड पे, इसीलिए यहाँ ज़्यादा लोग आ रहा है देखने के लिए। भैंसा भी अंदर है। सुबह से फुल बारिश हो रहा, तकरीबन घरों में पानी आ गया। अब इसमें 4-5 बंधे हुए थे भैंस, अब उसको क्या हुआ बोले तो ये लोग को देखा, तेज पानी की वजह से 3-4 मार ले गया, एक मर गया। अभी एक पानी में अभी कई घर टूट गए, सो है रेल पटरी के उधर से पानी आके घर के अंदर घुस गया, वहाँ पे दीवार टूट गए, एक घर बोलते सो पूरा अंदर डूब गया। इस बीच हैदराबाद के चिड़ियाघर में भी पानी भरने के बाद जानवरों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक चिड़ियाघर में कई बेजुबानों की डूबने से मौत भी हो गई।
और हैदराबाद में हुई बारिश से जहां लोग परेशान दिखे तो वहीं बारिश ने भगवान को भी डुबो दिया। आलम यह है कि बारिश का पानी देवी की मूर्ति के पास तक जा पहुंचा है। गेट में मौजूद श्री येलम्मा पोचम्मा मंदिर की है जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। आलम यह है कि बारिश का पानी देवी की मूर्ति के पास तक पहुंच गया, लिहाजा नजारा ऐसा था कि मानो पानी देवी के पैर धो रहा हो। वहीं इतने पानी की वजह से मंदिर को फिलहाल बंद करना पड़ा क्योंकि मंदिर के बाहर और अंदर दोनों जगह घुटनों तक पानी है। इतना ही नहीं, जहां पुजारी बैठते हैं वो जगह भी पानी में घिर गई है। हालांकि कुछ लोगों को बुलाकर इस पानी को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुराने हैदराबाद के निचले इलाके में बने इस मंदिर से पानी निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि पानी निकाला भी जाए तो जाएगा कहां। देवी के इस मंदिर समेत पूरे हैदराबाद के कई मंदिरों का बारिश के बाद बाढ़ से हाल बेहाल है, क्योंकि इस मंदिर की तो महज चोटी ही दिखाई दी और पूरा मंदिर पानी में समा गया। उधर जानकारी के अनुसार हैदराबाद में बारिश से अब तक 20 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी, लिहाजा बाढ़ से मचे हाहाकार के बीच प्रशासन जो है वो मुस्तैद दिखा। हालांकि बारिश वाली आफत ऐसी थी जिसने जिंदगी को नरक बना दिया। बारिश ने खूबसूरत हैदराबाद के कई इलाकों को बदहाल कर दिया। दरअसल तेज हवा और बारिश में कई घरों पर होर्डिंग और पत्थर गिर पड़े जिससे कई घर टूट गए। तो वहीं बंडलगोड़ा इलाके में एक घर पर दीवार गिरने से 2 महीने के बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। तो 3 डेड बॉडी को हम लोग ढूंढ लिए, एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिल रही, हम लोगों को पूरा ढूंढ रहे हम लोग। रात में 2-3 बजे के करीब हुआ, हम लोग अभी नहीं थे घर में, तो हमारा भाई 9 जने थे, 9 जने में से 4 जने मिले, 3 जने मिले खाली डेड बॉडी और एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिल रही सर। अपना आशियाना टूटने से परेशान लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए उनका हाल देखे जाने की अपील की। हमारा यहाँ पर दीवार टूट गया भैया, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, दीवार टूट के पूरा पानी मेरे घर में आ गया, दरवाजा टूट गया मेरा, पूरा पानी रुक रहा है, रात तमाम हम यहाँ सोए नहीं, पानी निकालते निकालते थके हम लोग, इतना पानी आया, ऐसे उबलते उबलते पानी आया, देखो ये जिंदगी में पहली बार देखे हम पानी की। आप लोगों की बहुत 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 नुकसान होगा, इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, हम रात भर होशियार है, आप लोग देख। एक तो कोरोना का खतरा और ऊपर से आसमानी आफत ने मानो इन लोगों की कमर ही तोड़ दी है, लिहाजा परेशान लोग मदद की राह तकते दिखे। पानी गिर रहा था, वो ऊपर से दीवार पानी में बिक के गिर रहा था, वो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे को, मेरे बच्चों को हटा लेके मैं दूसरे के कमरे में जाके रह गया और 3-4 दिन से मैं पानी के वजह से जो है बहुत परेशान है, कारोबार कुछ भी नहीं है, घर के पास ही रह के मैं चलाना बोले तो मुश्किल हो रहा, गरीब आदमी है, मेरे को औरत बच्चियाँ हैं, 3 औरत बच्चियाँ हैं मेरे को, वो बच्चों को देखना, मैं मेहनत करके वो लोग को खिलाना, मेरे को मर्द बच्चे नहीं है, उसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ भी सहायता आप करें तो बहुत बहुत शुक्रिया बोल के आपसे कोशिश कर रहा हूँ मैं। हालांकि तेलंगाना सरकार ने हालात को देखते हुए इन लोगों की मदद का आश्वासन दिया जिससे एक बार फिर से इन लोगों की जिंदगी पटरी पर आ सके। उधर तेलंगाना सरकार ने तमाम सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है, साथ ही बाढ़ के बीच लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। तो वहीं महाराष्ट्र में बारिश जो है वो आफत बन चुकी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुंबई और ठाणे समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश से जलभराव हुआ है। सोलापुर में दीवार गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। मुंबई और ठाणे समेत कई जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई जो आमतौर पर बारिश जब होती है तो इस तरह की स्थिति यहां पर देखती है कि जीना एकदम दुश्वार हो जाता है, एक बार फिर से कहीं ना कहीं वही स्थिति मुंबई और ठाणे में देखने को मिल रही है। हालात बेहद भयावह उन तमाम लोगों के लिए। और आगे होंगी और तमाम खबरें, लेकिन फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।